वीडियो में हम कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से डील करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो हिंदू मैरिज एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं वो सभी सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे और एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट किन किन प्रोविजंस को होल्ड करता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट, देखो जब हम हिंदू लॉज के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हमें चार एक्ट्स पढ़ना होता है। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और लास्ट है हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो इस वीडियो में हम केवल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेसिक स्ट्रक्चर से डील करेंगे और अगर आप सजेस्ट करोगे तो बाकी के जितने भी लॉज हैं उनके भी बेसिक स्ट्रक्चर पर वीडियोस ज़रूर लाया जाएगा। राइट, देखो ये जितने भी हिंदू लॉज हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सभी हिंदू लॉज उन सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल हैं जो कि हिंदू हैं आइदर बाय बर्थ या बाय कन्वर्जन, यानी पहले किसी और रिलीजन के थे और कन्वर्ट होके हिंदुइज्म में आए हैं, तो उन पर भी एप्लीकेबल है और उन सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल है जो हिंदू हैं आइदर बाय रीकन्वर्जन ऑल्सो, यानी पहले हिंदूज थे फिर कन्वर्ट हुए किसी दूसरे रिलीजन में और फिर से कन्वर्ट हुए हिंदूज में। तो ये जो लॉज हैं जिन चार एक्ट्स को मैं बता रहा हूँ, ये चारों एक्ट्स उन सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल हैं जो हिंदू हैं आइदर बाय बर्थ, बाय कन्वर्जन और बाय रीकन्वर्जन। राइट, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो एक्ट है ये एक्ट एक्ट नंबर 25 है ऑफ 1955। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं और 30 सेक्शंस हैं, 30 सेक्शंस हैं। राइट, और ये एक्ट किस पर्पस के लिए बनाया गया है? An act to amend and codify the laws relating to marriages among Hindus. एक ऐसा एक्ट है जो अपने आप में हिंदू मैरिजेस से जुड़े जितने भी लॉज हैं उन लॉज को कोडिफाई करता है, यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बेसिकली हिंदू मैरिजेस से जुड़े जितने भी लॉज हैं उन्हें किस एक्ट में कोडिफाई किया गया है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में किया गया है। इट इज एन एक्ट विच होल्ड्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग मैरिजेस अमंग हिंदूज। राइट, इस एक्ट का जो एनफोर्समेंट डेट है, यानी ये एनफोर्स में कब आया? 18 मई 1955। तो टोटल 6 चैप्टर्स हैं और टोटल 30 सेक्शंस हैं, चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 बेसिकली प्रीलिमिनरी है,
चैप्टर वन प्रीलिमिनरी है, सेक्शन एक से लेकर के चार तक। अब इस एक्ट का जो सेक्शन थ्री है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एक्ट का जो सेक्शन थ्री है वो बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन है, और एग्ज़ाम में कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में इन डेफिनेशंस को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है। जैसे सेक्शन 3A डिफाइन करता है कस्टम एंड यूसेज को, 3B डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3C फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, 3D यूटरिन ब्लड, 3E प्रिस्क्राइब्ड, 3F सपिंडा रिलेशनशिप या सपिंड रिलेशनशिप, और 3G डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इन सभी डेफिनेशंस को, इन सभी टर्म्स को हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप चाहो तो इन सभी डेफिनेशंस को, इन सभी सेक्शंस को जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे लिख सकते हो, और जब आप इन्हें बार बार देखोगे तो सभी सेक्शंस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे 3A डील करेगा कस्टम एंड यूसेज से, 3B डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3C फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, 3D यूटरिन ब्लड, 3E प्रिस्क्राइब्ड, 3F सपिंड रिलेशनशिप, 3G डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो जब आप इन्हें एक जगह लिख लोगे और रोज देखते रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये सभी सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे, राइट? तो चैप्टर वन में सेक्शन थ्री डेफिनेशन सेक्शंस हैं, जिसमें हमें इन सभी टर्म्स को समझना है। सेक्शन टू बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट से डील करता है, और ये जो एक्ट है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये उन सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल है जो बाय रिलीजन हिंदू हैं, जो बाय रिलीजन बुद्धिस्ट हैं, जो बाय रिलीजन जैन हैं, जो सिख है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो प्रोविजंस हैं वो हिंदूज पर भी अप्लीकेबल हैं, बुद्धिस्ट पर भी अप्लीकेबल हैं, जैनिज्म पर अप्लीकेबल हैं, और सिखिज्म पर अप्लीकेबल हैं। यानी इस पर्टिकुलर एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो बुद्धिस्ट, जैन, सिख ये भी हिंदू के ही कैटेगरी में माने जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग हिंदू कौन है, तो आप कहोगे वो पर्सन जो बाय रिलीजन हिंदू है वो हिंदू है, जो बाय रिलीजन बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, वो भी क्या है, हिंदूज हैं। तो ये जो एक्ट है ये इन चारों पर्सन्स पर एप्लीकेबल है, राइट? इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, ठीक है? आगे हम इन सभी सेक्शंस को डिटेल में कवर करेंगे, अभी आप केवल बेसिक ओवरव्यू समझो, राइट? नाउ अब हम डील करेंगे चैप्टर टू से। चैप्टर टू हिंदू मैरिजेस,
हिंदू मैरिजेस से जुड़े प्रोविजंस को होल्ड करता है, सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक। सेक्शन 5 कहता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। एक हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू वैलिडेट अ हिंदू मैरिज। तो हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं वो रेफर किए गए हैं सेक्शन 5 में, जिसमें कुल 5 कंडीशंस बताया गया है, तो उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं उन्हें डिस्कस करने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 6 डील करता है गार्जियनशिप इन मैरिज से। सेक्शन 7 डील करता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। और सेक्शन 8 डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी मैरिजेस हैं उन मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी, तो इसे भी हम समझेंगे जब हम इस सेक्शन से डील करेंगे। तो सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन मैरिज, 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, राइट। तो ये 4 सेक्शंस हमें चैप्टर 2 में पढ़ना है, विच इज हिंदू मैरिज, और ये चारों सेक्शंस अपने आप में इनका अलग इंपॉर्टेंस है, राइट। चैप्टर 3 डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 9 डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स से, और सेक्शन 10 डील करता है जुडिशियल सेपरेशन से। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स से मतलब क्या है? इफ आइदर पार्टी टू द मैरिज इज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर, without any appropriate cause or without reasonable cause, तो जो aggrieved party है वो court में petition डाल सकती है for restitution or for restoration of conjugal rights। यानी अगर पति पत्नी में से कोई एक, अगर पति ने अपने society से, अपने जीवन से, मैरिटल रिलेशन से पत्नी को अलग कर दिया है बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के, तो जो पत्नी है वो अग्रीव्ड पार्टी है और वो अपने मैट्रिमोनियल रिलेशंस को रीस्टोर करा सकती है, कोर्ट से ऑर्डर ले सकती है। और यही केस एप्लीकेबल है पत्नी के भी ऊपर। If wife had withdrawn her husband from her society without any reasonable cause or without any sufficient ground, then aggrieved husband may seek the court for restitution of conjugal rights. Conjugal rights से मतलब है marital rights। और section 10 deal करता है judicial separation से। यानी अगर दोनों ही पार्टीज़
टू द मैरिज, यानी पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से अपने मैट्रिमोनियल बॉन्ड को डिसॉल्व किए बगैर म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग रहना चाहते हैं, तो वो भी कोर्ट के परमिशन से रह सकते हैं कुछ समय के लिए। तो सेक्शन 9 डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से, और सेक्शन 10 डील करता है जुडिशियल सेपरेशन से। इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्या है, डिफरेंट है, ऑपोजिट है, राइट? तो इसे भी हम डिटेल में समझेंगे। चैप्टर 4 डील करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। सेक्शन 11 से लेकर के 18 तक, देखो चैप्टर 2 है हिंदू मैरिजेस, सेक्शन 5-8, सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज, जिसमें हमें 5 कंडीशंस पढ़ना है। सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन मैरिज, 7 सेरेमनीज ऑफ अ हिंदू मैरिज, और 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 में, जिसमें हमें 2 सेक्शंस पढ़ना है, सेक्शन 9 एंड 10। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, और सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। यहां क्या है, वाइफ के विल के अगेंस्ट हस्बैंड ने उसे अपने सोसाइटी से अलग कर दिया है, या हस्बैंड के विल के अगेंस्ट वाइफ ने उसे अपने सोसाइटी से अलग कर दिया है विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज। और जुडिशियल सेपरेशन में क्या है, दोनों आपसी सहमति से कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं बिना मैट्रिमोनियल रिलेशंस को डिसॉल्व किए हुए, राइट? तो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, और फिर हम डील करेंगे चैप्टर 4 विच इज नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 11-18। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के सभी सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, यहां हम किसी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। देखो सेक्शन 11 डील करता है वॉइड मैरिज, सेक्शन 12 डील करता है वॉइडेबल मैरिज, तेरा डाइवोर्स, 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, और 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, 14 नो पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स। तो 14 डील करता है कि नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज, कहता है डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, कब डाइवोर्स्ड पर्सन दोबारा से शादी कर सकता है, क्योंकि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 ये प्रमोट करता है एक्सोगैमी को, यानी एक विवाह को। तो कब एक डाइवोर्स्ड पर्सन दोबारा से शादी कर सकता है, उसके बारे में प्रोविजन है सेक्शन 15 में, डाइवोर्स पर्सन
when may marry again? सोलह डील करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ void and voidable marriage, legitimacy of a children or a child which is the outcome of void marriage, जो कि void marriage से उत्पन्न हुआ है. He is a legitimate child. वो क्या है? वो एक धर्म संतान है, वो एक जायज औलाद है. If a child is born out of void marriage, तो void marriage क्या है? Void marriage एक ऐसा marriage जिसका कोई legal existence नहीं है, which is null in the eye of the law. और एक मैरिज void मैरिज कब होगा? जब सेक्शन 5 में मेंशन्ड कंडीशंस के क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 5 की शर्तों को पूरा नहीं करता हो, तो वो मैरिज void मैरिज है. यानी एक मैरिज विच कॉन्ट्रामेंस द क्लॉज 1, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दैट मैरिज इज void marriage. वो जो मैरिज है क्या है? void मैरिज है. तो इसे भी हम डिटेल में समझेंगे, अभी मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. तो लॉ कहता है, सेक्शन 16 कहता है, अ चाइल्ड हु इज रिजल्ट ऑफ void मैरिज और voidable मैरिज, वो क्या है? वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, वो धर्म संतान है, वो जायज औलाद है. 17 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर बाइगैमी. 17 पनिशमेंट फॉर बाइगैमी. और 18 डील करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन other conditions as required for marriage. Right? तो हम इन sections को जब cover कर लेंगे तो हम enter कर जाएंगे chapter 5 के तरफ, जो कि deal करता है jurisdiction and procedure से. Chapter 5, which is jurisdiction and procedure. Jurisdiction and procedure. Section 19 से लेकर के 28A तक के जो provisions हैं वो deal करते हैं chapter 5 से, which is jurisdiction and procedure. Right? देखो, सेक्शन 19 कहता है, कोर्ट टू विच मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स मैट्रिमोनियल पिटिशंस शैल बी प्रेजेंटेड. इस कोर्ट में मैट्रिमोनियल पिटिशंस को प्रेजेंट किया जाएगा. सेक्शन, अब देखो सभी सेक्शंस हमें इस चैप्टर के नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल कुछ ही सेक्शंस को पढ़ना है. जैसे सेक्शन 22 जो कि कहता है प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड. कहता है कि जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स होंगी वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कंसिडर किए जाएंगे और उन्हें कोई पर्सन प्रिंट नहीं कर सकता है,
पब्लिश नहीं कर सकता। सेक्शन 24 डील करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग से। सेक्शन 25 डील करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस से। छब्बीस डील करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से, कि जो चाइल्ड की कस्टडी होगी, जो बच्चे की कस्टडी होगी, वंस द डाइवोर्स हैज बीन ग्रांटेड बाय द कोर्ट, तो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी? बच्चे के पास। जो बच्चे की कस्टडी है वो माता के पास जाएगी या पिता के पास जाएगी? तो सेक्शन 26। 27 डील करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से। अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। और 28A डील करता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। 28A डील्स विद एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। सेक्शन 24 विच इज मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, विच मीन्स कि जब तक शूट पेंडिंग में है तब तक हस्बैंड इज बाउंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन। जब तक शूट पेंडिंग में है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द शूट हस्बैंड इज ऑब्लाइज्ड टू पे मेंटेनेंस फॉर द वाइफ एंड चिल्ड्रन। और सेक्शन 25 डील करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस से। एक बार जो केस है वो डिसाइड हो जाएगा और जब डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा तो एक लमसम अमाउंट जो कि हस्बैंड को पे करना होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, फॉर सिक्योरिंग देयर फ्यूचर, तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 25। और सेक्शन 26 डील करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से। सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। 28 अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। कोर्ट ने जो भी डिक्री, जो भी ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। विद इन व्हाट पीरियड यू हैव टू प्रीफर अपील, तो उसके लिए सेक्शन 28 है। और लास्ट है सेक्शन 28A विच डील्स विद एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो ये था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के वो सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और अगर आप इन सभी सेक्शंस को कवर कर लेते हो तो आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लगभग उन सभी सेक्शंस को पढ़ लिए रहोगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जिन क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना होता है एग्ज़ाम में, राइट?